वो दूर घाटी में बसते देखे हो साहब? मेरा बाप वहीं चाय की बागानों में काम किया करता था। बड़ा ही हंसमुख इंसान था साहब। यूनियन का लीडर जो था, सारे वर्कर्स लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। मुझे मेरे बाप से बहुत मोहब्बत मिली है साहब, बहुत मोहब्बत मिली है। वो सामने पेड़ देख रहे हो साहब? वो पेड़, उस पर लटकी मोटी सी रस्सी का झूला और नन्हा सा मैं। मेरा बाप मुझे उस रस्सी के झूले में बिठाकर ऐसी जोर की पेंगे मारता था कि झूला ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और जब वो नीचे आता है तो पेट में ऐसी गुदगुदी सी होती है ना साहब। बड़े अच्छे दिन थे साहब, बड़े अच्छे दिन। फिर एक दिन मेरे घर पुलिस आई और मेरे बाप को पकड़ के ले गई। यहां तक कि मेरी मां भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मजा नहीं जो किसी ने एक गिलास पानी तक भी मुझसे पूछा हो। फिर रात हुई साहब, और जब रात होती है ना तो पेट में एक अलग से भूख लगती है। ऐसा लगता है जैसे जंगली जानवर आपको अपने पंजों से और जबड़ों से नोच रहे हो, खा रहे हो, मतलब पागल हो जाता है इंसान। फिर मैंने उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ते को बैठा देखा। वो कहीं से रोटी का टुकड़ा लाके चबड़ 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 चबा रहा था। फिर क्या था, मैंने उठाया पत्थर और दे मारा कुत्ते के मुंह पे। कुत्ता भागा, मैं भागा, कुत्ता आगे मैं पीछे, और भागते भागते उस कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया और मैंने झपक के उसे पकड़ा और खा लिया। साहब उस दिन मुझे कैसा लगा ना खुद से कि ना मुन्ना ना, जीना है तो मारना सीख और जीना है तो छीनना सीख।